बिंदास गाइस, ये ब्राजीलियन तरीका है आप सभी लोगों को स्वागत करने का मेरे नए वीडियो में। देखो तो आप लोग खुद सोच रहे हो कि आज ब्राजीलियन तरीके में क्यों स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि आज LBFF के ऊपर चर्चा करनी है। क्योंकि आप लोग कई दिनों से बोल रहे हो कि यार LBFF पे एक नया वीडियो लेके आओ, जो मैंने दो हफ्ते पहले डाला जरूर से था, बट अभी टूर्नामेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है तो आज बातचीत करना जरूर से बनता भी है। और आज के वीडियो में एक सवाल भी है कि क्या वीवो के फ्लक्सो से एक बेहतरीन टीम है, तो यही सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। हम लोग बहुत ज्यादा पास है गाइस 12,000 सब्सक्राइबर के, तो अगर आप लोग नए हो तो पहले लोग जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज्यादा वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि LBFF 2021 सीरी ए स्टेज 2 वीवो के ने जरूर से जीता था, तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है टूर्नामेंट खेलने का। तो अब मैं लेके चलूंगा आप लोगों को स्कोरबोर्ड पे, स्कोरबोर्ड आप देख लो। यहाँ पे फ्लक्सो जो है अभी बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन उनका अभी तक दिख नहीं रहा है, बट वीवो के बहुत बेहतरीन तरीके से चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। फोर्थ पोजिशन पे वो आ चुके हैं, फ्लक्सो के पास 387 पॉइंट्स हैं। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या चीज देखोगे, क्या बुया का डिफरेंस देख लो, वीवो के पास 5 बुया है एंड फ्लक्सो के पास सिर्फ 2 बुयाज है। एंड आई थिंक आज के जमाने में बुया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये तो एक अलग डिबेट है, अलग यू नो एक वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। आप लोगों ने रिसेंट टाइम में जब प्रो लीग हुआ था ना, प्रो लीग आप लोगों ने खुद देखा था, केमिन ईस्पोर्ट्स बिना कोई बुया निकाले वो टूर्नामेंट जीत के चले गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुया निकालोगे तो ही आप जीतोगे टूर्नामेंट, अगर बुया नहीं निकालोगे तो भी आप टूर्नामेंट नहीं जीतोगे। अब बेसिकली मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दिखाने वाला जहां पे फ्लक्सो ने बुया निकाला, और एक और पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा आगे इसी दिन में जहां पे वीवो केड ने बुया निकाला, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों टीमों का प्ले स्टाइल काइंड ऑफ थोड़ा तो समझ में एटलीस्ट आ ही जाएगा। आप यहां पे पहले देख लीजिए कि फ्लक्सो के प्लेयर्स एक काफी अच्छे पोजीशनिंग पे खड़े हुए हैं, जहां पे कुसादो है, सियाज है, आप सब लोगों को पता है कि सियाज का क्या पोटेंशियल है, यू नो एक काफी बेहतरीन असॉल्टर्स में से गिने जाते हैं एंड आई थिंक एक बेहतरीन ग्रेनेडियर में से गिने जाते हैं, एंड इनका नाम बहुत ज्यादा छाया हुआ है ब्राजील में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी उनके साथ चापा बेकेआर भी है। अब यहां पे देखिए कितने सारे टीम है, लाउड के क्वान भी है, B4 के यागो है, गॉड के माइक है, रियल के VM7 है, रियल के ट्रिपलॉक से यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए, आइस ग्रेनेड से यहाँ पे क्वासरो जो है बहुत ज्यादा डैमेज खा रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा फेवर में लग रहा है कि सर्कल डेथ सर्कल है, यहाँ पे कोई सर्कल बनने नहीं वाला है। अब हमें हमेशा जानते हैं कि सर्कल जब भी ऐसे रिच का बनता है जो भी नीचे रहता है उसको एडवांटेज मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर वो पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्सो के पास एडवांटेज है। बट फ्लक्सो अब इस सिचुएशन में बहुत कुछ कर सकते थे, देखो बट ऊपर इतने सारे प्लेयर्स थे, उनको सबको पता है फ्लक्सो का पोजीशनिंग, फ्लक्सो के प्लेयर्स क्या क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, तो वो डिसएडवांटेज में डाल सकते थे। बट अब गेम यहां से बदलता है कि वो लोग आपस में इतने ज्यादा यू नो प्रॉब्लम फंस जाते हैं कि एक तो हाइट में वो लोग नीचे नहीं उतर सकते, फ्लक्सो इस चीज का फायदा उठाते, देखिए जितने ज्यादा प्लेयर नीचे आने की कोशिश करते सबको एक एक करके वहां पे डैमेज देते हैं, और फ्लक्सो जो है बहुत स्मार्टली खेलते हैं एंड देखिए यहाँ पे 7 फिनिश पॉइंट्स के साथ उनका एक बहुत आसान सा बुया निकल जाता है। इसीलिए फ्लक्सो इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि फ्लक्सो हमेशा कंसिस्टेंट रहना जानते हैं, वो बेमतलब का बेतुकी फाइट नहीं उठाते जिसके वजह से उन्हें एलिमिनेशन या फिर आप सोच लो कि उन्हें जल्दी एलिमिनेट होना पड़ता है। इस सिचुएशन में मैं आप लोगों को वीवो केड का पर्सपेक्टिव दिखाऊं। देखिए मिनी मैप पे आप अगर आप ध्यान देंगे उसमें तो आपको मिनी मैप दिखने रहा था, अब मिनी मैप पे ध्यान दीजिए कि वीवो केड भी सर्कल के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके पास एक काफी अच्छा पोजिशनिंग एंड दोनों टीमों का आप एक चीज नोटिस करोगे फ्लक्सो एंड वीवो केड का कि वो प्लेयर्स लेके चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कि आखिरी सर्कल में अगर आपके पास 4 प्लेयर्स का एडवांटेज है, ये बहुत बेसिक बैटल रॉयल का स्ट्रेटजी है कि जितना ज्यादा प्लेयर्स उतना ज्यादा आपके एडवांटेज बुया निकालने का, एंड वही चीज यहाँ पे आई थिंक फ्लक्सो एंड वीवो केड अपनाते हैं, इसीलिए ये सारे टीम इतना सक्सेसफुल है। फ्लक्सो आप जानते हैं कि क्यों इतना ज्यादा वो नाम कमाते हैं, वीवो केड ऑलरेडी जीत चुके हैं LBFF एक बार एंड अभी इस बार भी ट्राई करेंगे जरूर से अपने कंट्री को बहुत अच्छा करने, क्योंकि देखो ऑन द लाइन वर्ल्ड सीरीज तो है ही, इनको भी वर्ल्ड सीरीज में आप जरूर से देख पाओगे एक आधा टीम को। अब देखो वीवो केड को इतना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि उनको पता है कि अब सबको हमारे पास आना है, हमको बेतू की फाइट फिर से नहीं लेना है, बाकियों को लड़ने दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी 8 फिनिश पॉइंट्स है, 3 टीमें बची हुई है, जनरली यहां पे पहला नॉक निकलता है डिड के प्लेयर्स को, एंड बस डिड ही इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके पास नंबर एडवांटेज है, बाकी किसी के पास नहीं है। एंड आई थिंक एक और चीज है कि ब्राजील, थाईलैंड और हमारे एशिया रीजन का थोड़ा जो गेम प्ले है ना, थोड़ा बहुत एबिलिटीज में बहुत ज्यादा फर्क आया, क्योंकि यहाँ पे एंड्रू, मैंने ये पहले भी कहा है और आज भी मैं रिपीट करूंगा कि यहाँ पे एंड्रू बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एंड यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग अपने एम पे डिपेंडेंट है, अपने रॉ गन गेम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ब्राजील, फ्रॉम एशिया, एंड एशिया में आपके हमारे इंडिया भी आ जाते हैं। देखिए 12 फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल चुके, 13 हो चुका है, एंड बहुत ही आसान से यहाँ पे वीवो केड का एक
वो आपको नजर आया। सो आई थिंक एक सिंपलर फॉर्म में डिफरेंस अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूं तो फ्लक्सो बेतु की फाइट नहीं लेते हैं, ठीक है। वीवो के ऑन द अदर हैंड सिमिलर अगेन कि वो भी बेतु की फाइट लेने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक उन्हें मौका नहीं मिल जाता है फाइट लेने का वो फाइट इनिशिएट करते नहीं है, वो अपने आप को पहले एडवांटेज में डालते हैं फिर उस सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं एज अ टीम, एंड देन ही ये टीम्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल बन पाती हैं। यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, एंड आई थिंक आगे जब फाइनल्स होगा या फिर सेमीफाइनल्स होगा एलबीएफ का, मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियोस बनाऊंगा एंड कोशिश करूंगा और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए पुटअप करने की कोशिश करूं। बट आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में समझ आया हो, मजा आया हो। देखिए सवाल तो जो था ना वीडियो की शुरुआत में कि क्या वीवो केड एक बेहतरीन टीम है फ्लक्सो से, हम कोई नहीं होते हैं वो डिसाइड करने वाले, वो अपने में एक बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है। अगर मैं इंडिया में कोई भी टीम को अगर बोलूं कि क्या टोटल गेमिंग ओडांग होटांग एलीट से बेहतर टीम है, क्या केमेन ईस्पोर्ट्स टोटल गेमिंग से बेहतर टीम है, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा उन प्लेयर्स के लिए, उन टीम्स के लिए। अपने आप अपना सबका प्ले स्टाइल होता है, सब डिफरेंट है अपने में, सब अच्छे भी अपने 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 तरीके में, बट हाँ जीतता हमेशा एक है, जो प्रेशर झेलता है, जो अच्छा खेल जाता है उस दिन ऑब्वियसली बात है वो बाजी मात कर जाता है। अभी हम जरूर से वेट करेंगे कि फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप कब चालू होगा, ताकि अब हम भी हमारे इंडियन सेक्टर में सब बड़े बड़े टूर्नामेंट शुरू होते देखें, एंड वर्ल्ड सीरीज यू नो क्या फिर से हमारे लिए सपना ही रह जाएगा या फिर हम अचीव कर पाएंगे कुछ जाके वर्ल्ड सीरीज में, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया, क्योंकि गेम का सिनेरियो कुछ हमें पता ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट यही भी वीडियो को समाप्त करना चाहिए, होप कि आप लोगों को मजा आया, कमेंट्स में जरूर से आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन जरूर से मुझे दे देना, अगर आप लोग कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों के पास अगर कोई ओपिनियन जरूर से वो भी शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर से पढ़ना चाहूंगा। टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलता अगले वीडियो के साथ।